हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित फार्मासिस्ट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलर्जी नेल टेबलेट के बारे में। जानेंगे फ्रेंड्स कि एलर्जी नेल टेबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में करते हैं, और जानेंगे इसके यूजेज, कंपोजिशन, डोज, साइड इफ़ेक्ट और प्राइस रेट के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बगैर रिसीव किए पूरा एंड तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें एलर्जिन एल टेबलेट के बारे में, तो फ्रेंड्स ये टेबलेट एंटी एलर्जिक टेबलेट होती है। इस टेबलेट को सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और फ्रेंड्स, बात करें एलर्जिन एल टेबलेट के प्राइस रेट के बारे में, तो फ्रेंड्स एलर्जिन एल टेबलेट की एक स्टिम में 10 टेबलेटें निकलती हैं, जिसका प्राइस रेट मात्र 67 रुपीज़ होता है। ये टेबलेट आप किसी भी मेडिकल स्टोर से बड़े आसानी से परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात करें एलर्जिन एल टेबलेट के कंपोजिशन के बारे में, तो फ्रेंड्स एलर्जिन एल टेबलेट को बनाने में लिबोसिटेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेबलेट में लिबोसिटेजिन की क्वांटिटी 5 mg होती है। और फ्रेंड्स, बात करें एलर्जिन एल टेबलेट के यूजेस के बारे में, तो फ्रेंड्स एलर्जिन एल टेबलेट का इस्तेमाल खुजली की समस्या में किया जाता है, और एलर्जी की वजह से ज़्यादा छींकें आती हैं तब इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, और नाक बहती है या आँखों से पानी आता है या पूरे शरीर में खुजली होती है तब इस टेबलेट का इस्तेमाल काफ़ी लाभदायक होता है। और सर्दी जुकाम में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, या खुजली से होने वाले दाने निकल आते हैं जो उन दानों में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, और गले में खराश हो जाती है तब भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, और पित्ती की भी प्रॉब्लम में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, और नाक में खुजली होती है या गले में खुजली होती है या मौसमी एलर्जी जैसी समस्याओं में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और फ्रेंड्स, लाल चकत्ते निकल आते हैं बॉडी पे खुजली की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, जब किसी भी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तो एलर्जी होती है, ऐसी कंडीशन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी समस्याओं में फ्रेंड्स एलर्जी नेल टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, बात करें एलर्जिन एल टेबलेट के डोज के बारे में, तो फ्रेंड्स एलर्जिन एल टेबलेट की डोज को एक एडल्ट पर्सन इस टेबलेट को एक टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद ले सकता है। फ्रेंड्स, आवश्यकता पड़ने पर इस टेबलेट को एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को भी लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, डोज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से भी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात करें एलर्जिन एल टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स अगर आपको एलर्जिन एल टेबलेट सूट नहीं होती है तो इससे आपको कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा नींद आना, या तो फिर उल्टी या मतली या मुँह सूखना, ये सब इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको इसके अलावा भी कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जानकारी लेनी चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही एलर्जिन एल टेबलेट का सेवन करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर फ्रेंड्स आप एलर्जिन एल टेबलेट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ब्लॉग पेज का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके फ्रेंड्स आप मेरे ब्लॉग पेज पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर फ्रेंड्स आपको एलर्जिन एल टेबलेट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स,